अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मिसिज बट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईट फिट कुकिंग। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं ये फ्राइज़ पिज़्ज़े की रेसिपी लाई हूं और वो भी अपने स्टाइल में। और इसके लिए जो मुझे चाहिए, ये मैंने आलू लिए, बड़े साइज़ के आलू लिए, जिसको मैंने ये काट के स्लाइस बनाए हैं और उसको मैंने बॉयल किया है, हाफ बॉयल किया है मैंने। ये चिकन जाएगा, चिकन ब्रेस्ट थी मेरे पास, ये मैंने पीस किए हुए हैं लंबे लंबे पीस करके, तो मैंने ये रखा इस तरह लंबे पीस। ये लहसुन जाएंगे, 6-7 जवे हैं जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। ये एक अनियन जाएगा, प्याज एक, ये देखें इसको मैंने ऐसे रिंग की तरह काटा हुआ है। ये हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, हरी मिर्चें 3-4 ली हैं मैंने, जिसको मैंने ऐसे करके काटा हुआ। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी इसलिए मैं ये डालने लगी। टमाटर जाएगा एक, स्लाइस किए हुए हैं छोटे छोटे। ये मोज़रेला चीज़ जाएगी इसमें, कैचअप है और ये मायनीस, और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई हुई है घर में, ये है, और साथ ये चिली सॉस जाएगा इसमें, सोया सॉस जाएगा और सिरका जाएगा। ये स्पाइसेस है, ये चिकन पाउडर है हाफ टी स्पून, लाल पाउडर है, लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, पेपरिका हाफ टी स्पून, काली मिर्च है हाफ टी स्पून, और मैजिक मसाला है ये मेरे पास हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। चलें जी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये फ्राई करूँगी इसको, ये आलू को जो मैंने बॉयल किए हैं फ्राइज, इनको मैं फ्राई करूँगी। और तेल मैंने रखा हुआ है कढ़ाई में चूल्हे के ऊपर। चलें जी मैं बताती हूँ आगे का प्रोसीजर आपको। ये मैंने फ्राई किया, ये मैंने तेल रखा हुआ है पैन के ऊपर, ये चेक करने के लिए मैंने लगाया था। ये देखेंगे मैं फ्राई करने लगी इसको, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। ये दूसरी तरफ पैन रखेंगे हम, ये मैंने पैन रखा है चूल्हे के ऊपर। ये सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ये पैन के अंदर मैंने ना 1-2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, ये साथ ही हम चिकन डालेंगे इसमें। चिकन के साथ ही मैं ये लहसुन डालूंगी, थोड़ा फ्राई करेंगे। ये कलर चेंज होने का पकाते हैं इसको। पहले हमने फ्राइज से वो तैयार कर लिए, अब ये दूसरे डालने लगेंगे। रह देखें ये देखें कि ये कितना अच्छा तीन को हो गया हमारा चिकन। अब हम इसमें ये सॉस है ना ये डालेंगे, आप हम इसमें भी डाल देंगे, हम इसके फ्राइज के ऊपर भी डालेंगे। स्पाइसी डालेंगे इसमें सारे, साथ ही हम सिरका सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे इसमें। ये देखिए बेहतरीन कलर आया इसका। अब मैं ये सिरका डाला है मैंने, अब ये सोया सॉस डाला मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगा, मेरा स्पाइसी से अच्छा लगता है। चलो ये चिकन हमारा तैयार हो गया, अब हम फ्राइज को देखते हैं। ये पक गया हुआ है, इसका चूल्हा बंद करते हैं। ये देखें जी ये फ्राइज हो गए हमारे फ्राई, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। और ये मैंने पैन में ना, मैं पैन में ही बनाने लगी हूँ। ये पैन को मैंने ग्रीस किया ऑयल के साथ, गर्म ऑयल के साथ मैंने ग्रीस किया ब्रश के साथ। अब मैं इसमें ये डालूँगी फ्राइज डालूँगी।
ठीक है, ये लगे। अब ऊपर हम ये लगाएंगे अपना कैचअप डालेंगे, थोड़ी सी कैचअप डालेंगे। चिकन डालेंगे, ये डबल कोटिंग करेंगे हम इसके, सास सोया सॉस डालेंगे थोड़ा सा ऊपर, चिली सॉस डालेंगे थोड़ी सी, ये मायनेस डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी हम पिज़्ज़ा सॉस भी डालेंगे ऊपर, ये मायनीज डाली है वो डाले हमने, सॉस डाली इसकी थोड़ी सी, ये थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ पड़ेगी इसमें। मज़ेदार चीज़ पड़ी। अब दोबारा से हम कोटिंग करेंगे, अब दोबारा से हम दूसरी दोबारा कोटिंग करेंगे इसकी। दोबारा से चिकन लगाएंगे, अभी मैंने चिकन डाले, चिकन के ऊपर मैं हरी मिर्च डालूंगी, टमाटर डालेंगे, ये आपने अपने हिसाब से स्लाइस ना अपने जगह जगह स्लाइस डाल देने हैं इसके टमाटर के। अब ये प्याज जाएगा इसके ऊपर, ये प्याज लगाएंगे हम, अब ऊपर मैं मज़रेला चीज़ डाल लगाऊंगी, ये प्याज की टॉपिंग हो गई है। अब हम ऊपर दोबारा ये मज़रेला चीज़ लगाएंगे, स्लाइस करके अब दोबारा से मज़ेदार चीज़ के लगाइए। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर बेक करेंगे। थोड़ी सी हम ऊपर ना ये कैचअप डालेंगे, थोड़ा सा मायनीस डाल देंगे। चलें जी, अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसके चूल्हे के ऊपर रखेंगे। ये देखें जी, ये मैं ढक्कन लगाने लगी, पूरा इसको ढक्कन आना चाहिए इसके ऊपर, और इसका ये जो सुराख है ना इसको हम बंद करेंगे माचिस की ये तीली के साथ, इसको बंद करेंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। ये लें जी, ये देखें हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज तैयार है, खाएं एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये बहुत अच्छा बना है, ये ऐसे आपने इसके साथ उठाना है और आपने एंजॉय करना है।
इंजॉय करें, खाएं, बनाएं और कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।